शकुंतला विद्यालय भिलाई ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, क्योंकि इस बार भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तीर्ण होने वाले छात्र इसी स्कूल से हैं। और अच्छी बात यह है कि इस स्कूल से जितने भी विद्यार्थी पास हुए हैं उसमें से 50% प्रथम श्रेणी में आए हैं। स्कूल के प्राचार्य विपिन ओझा ने स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का उल्लेख करते हुए सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाइयां दी है। तो वहीं विद्यार्थियों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि वह अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम प्रबंधन को देते हैं, उसके बाद अपने पालकों को। आइए देखते हैं शकुंतला विद्यालय के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं एवं प्राचार्य विपिन ओझा से हुई खास मुलाकात के खास अंश। कोशिश इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, कोशिश इतनी खामोशी से करते हुए बच्चों ने सफलता का एक शोर मचाया है। इस वक्त मैं शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रांगण में हूँ और बच्चों ने 10th और 12th में अच्छे मार्क्स पाते हुए अपने स्कूल का और अपने पूरे मम्मी पापा का भी और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल का भी जिनकी संगत में रहते हैं उनका नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले 12th के बच्चे मेरे सामने में हैं, आप अपना परिचय बताएंगे। अर्श मिश्रा, क्या रैंक आया आपका? 97.96.6% फर्स्ट रैंक। और अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय ये मैनेजमेंट को देना चाहूंगा, स्कूल को, मेरे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मींस और कहीं अगर मैंने लैग किया तो मेरे को प्रमोट किया और मेरे पे भरोसा दिखाया कि मैं आज इधर खड़ा हूँ। स्कूल में कोई ऐसे टीचर्स होते जो खास होते सबसे ज्यादा, कोई है ऐसे? क्लास टीचर है, मैथ्स के टीचर, मीन्स लाइक हर सब्जेक्ट टीचर का योगदान रहा है मेरे सफलता में। और मेरे साथ आप हैं, आपका नाम? आयुष यादव। आयुष यादव, क्या रैंक आया आपका? थर्ड रैंक, 94.8%। क्या किसका सफलता का श्रेय देते हैं? मैम, मैं इस स्कूल को, इस स्कूल में मौजूद जो प्रिंसिपल सर है और हेड मिस्ट्रेस मैम और सभी टीचर, साथ ही साथ मेरे माता पिता, उन्हें श्रेय देता हूँ। और घर का माहौल भी क्योंकि काफी मायने रखता है, तो घर में भी मुझे एक अच्छा माहौल मिला है अच्छे से तैयारी के लिए। आगे क्या करना चाहते हैं? मैम, अभी और एग्जाम है हमारे, कुछ इसी महीने में वो सबकी तैयारी चल रही है। मेरे साथ आप हैं, आपका नाम बताएंगे? अभय विश्वकर्मा। अभय विश्वकर्मा, अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय पूरे स्कूल को देना चाहता हूँ, मैनेजमेंट को, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और स्पेशली वाइस प्रिंसिपल मैम ने क्लास में आके हमको बहुत मोटिवेट किया। और घर पर भी हम पूरा पढ़ाई वाला माहौल बना रहता था, तो उसके कारण हमें पढ़ाई में मदद मिलती थी। कौन सा रैंक है? फोर्थ रैंक, 93.2%। हाँ, आप बताएंगे अपना परिचय, अपना रैंक बताएंगे? मैम, मेरा नाम काव्य शर्मा है, मेरा क्लास 12th में अभी 94.6% है और ओवरऑल रैंक फोर्थ रैंक का है। मैं इस सबका श्रेय ऑनरेबल डायरेक्टर सर को देना चाहता हूँ, वाइस प्रिंसिपल मैम को देना चाहता हूँ, हमारे सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को। इन सबकी गाइडेंस ने ना सिर्फ हमें एग्जाम टाइम में हेल्प किया बल्कि हमारी ओवरऑल लाइफ को सुधारने में बहुत इनकी गाइडेंस रही है। 12th का रिजल्ट भविष्य का दरवाजा होता है, आगे के भविष्य के लिए क्या सोचा? मैम, मैं सीए का एग्जाम दूंगा, सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट। अब हमें नाम बताएं। मैम, आई एम भूमिका सिंह फ्रॉम क्लास 12th एंड आई गॉट 95.6% एंड आई गॉट सेकेंड रैंक इन स्कूल। सफलता का श्रेय किसे देते हैं? क्लियरली मेरे सारे टीचर्स, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम सारे, और मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स, सबने गाइडेंस दिया मुझे एट द एंड। बेस्ट फ्रेंड कौन है? व्हाट मैम? बेस्ट फ्रेंड कौन? माय बेस्ट फ्रेंड इज रिया हिरवानी। अब हैं 10th क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने भी जो टॉप रहे हैं उनको भी काफी अपना जो खुशियां हमारे साथ साझा करने बैठे, तो उनसे मिलते हैं। अपना नाम बताएंगे? अमन कुमार सिंह। अमन कुमार सिंह, क्या रैंक? फर्स्ट रैंक, 95.8%। अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा मैं अपने आप को देना चाहूंगा और पूरे पूरे स्कूल को, पूरे टीचर्स को, जिसने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया और मेरे काफी दोस्त थे और पेरेंट्स ने भी काफी मोटिवेट किया। आगे क्या सोचा है आपने? अभी तो 11th में अच्छी पढ़ाई करके नीट बस क्रैक करना, उसके आगे का देखा जाएगा। आपका परिचय? मैं आदित्य चौरसिया। क्या रैंक है आपका? मैं फिफ्थ रैंक, मेरा परसेंट है 92.2%। स्कूल का कोई ऐसा टीचर, कोई जो बहुत करीब हो और जो बहुत मोटिवेट करता हो, जिसकी बातें बहुत मार्गदर्शक रहती हूँ? हमारी हर टीचर मार्गदर्शक है, हमारी हर टीचर ने हमको उतना इन्फ्लुएंस किया जितना हम चाहते थे। नाइट कैंप की एक शुरुआत शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल में मैंने देखा है, लास्ट ईयर भी मैं इसमें शामिल थी, इस वर्ष आप शामिल थे उसमें। आप अपना परिचय? मेरा नाम आदर्श विश्वकर्मा है और मैं 92.8% मिला है मुझे इसमें 10th क्लास। सफलता का श्रेय किसे देते हैं? पूरी टीचर्स को, पेरेंट्स को और दीदी को, क्योंकि हर जगह दीदी मोटिवेट की, हर समय जब भी जी मोटिवेट होता था मैक्सिमम। और आगे क्या करना चाहते हैं? आगे अभी मैथ्स ले लिए हैं और जेई की तैयारी में लगे हुए हैं कंटिन्यू। आप अपना परिचय? मेरा नाम विधि तोर है और मेरा परसेंटेज 93.8 आया है, सेकंड रैंक। क्या करना चाहती हैं आगे? मैथ्स में आगे कुछ करना चाहती हूँ।
और सफलता का श्रेय किसे देती हूँ? मैम अपने टीचर्स को, डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल सर को, वाइस प्रिंसिपल मैम को और मेरे पेरेंट्स को। पेरेंट्स ने शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल को ही क्यों चुना तुम्हारे लिए? क्योंकि ये बहुत अच्छा है। सही, बच्चों का एक्सपर में ये है कि एक पारिवारिक माहौल, बेहतर शिक्षा यहाँ मिलती है। नैतिक शिक्षा हो, शारीरिक शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो, सभी शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल अपने जो स्टूडेंट को बखूबी देता है। अब हम सर से, जो डायरेक्टर सर हैं यहाँ के, प्रिंसिपल सर हैं, उनसे बात करेंगे बच्चों के रिजल्ट को लेकर। तो हम इस वक्त मौजूद हैं शकुंतला ग्रुप में, स्कूल में, और अभी हमने 10th और 12th के बच्चों के अनुभव जाना, उनके परसेंटेज जाने। उन्होंने भी काफी उत्सुकता पूर्वक सभी बातों के जवाब दिए और अपने स्कूल को सारा श्रेय दिया उन्होंने। सर हमारे साथ मौजूद हैं विपिन ओझा सर, शाला के प्रिंसिपल हैं। सर सबसे पहले जो बच्चों ने अच्छे प्रदर्शन किया है, उन बच्चों के लिए आपकी क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों के लिए देखिए, प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ कम व्यय में सर्वोत्तम शिक्षा दी जाती है और उसी का परिपालन करते हमारे तीन धुरियां जो हैं, मैनेजमेंट, टीचर्स और पेरेंट्स, मिल करके हम लोग साल भर बहुत मेहनत करते हैं। समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग करवाते हैं, पेरेंट्स को जो भी आवश्यक सजेशन रहता है उनको बताते हैं, और इस प्रकार से तीनों धुरियों को मिला के जब रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो उसमें बच्चे भी तनाव में नहीं रहते, बिल्कुल जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो बिना टेंशन फ्री होकर एग्जाम देते हैं। इसलिए हर साल शकुंतला विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इस साल भी 12th क्लास में 253 बच्चे एनरोल्ड हुए और उसमें फर्स्ट डिवीजन जो है 147 बच्चे आए, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जब फर्स्ट डिवीजन की संख्या लगातार गिर रही हो। और 10th क्लास में 214 बच्चे थे और उसमें से फर्स्ट डिवीजन हमारे 115 बच्चे हुए। पटरी पार अगर स्कूल की गिना जाए, सबसे पहले शकुंतला स्कूल का नाम आता है। मैं टाउनशिप में रहती हूँ और जब भी वहाँ पर स्कूलों, अच्छे स्कूलों की श्रृंखला में गिना जाता है तो शकुंतला स्कूल को। जो पेरेंट्स होते हैं उनका क्या योगदान रहता है, कैसे वो अपने बच्चों को यहाँ तक लाने के लिए टाउनशिप की और पटरी पार स्कूल में फर्क नहीं समझते हुए यहाँ एडमिशन कराते हैं? टाउनशिप से कंपेयर करने के लिए हम अपने आप को बहुत लगभग 28 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हमारे डायरेक्टर संजय ओझा जी काफी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग पूरा स्कूल प्रशासन, टीचर्स, HOD और हम लोग मिलकर ऐसा चाह रहे हैं कि पटरी पार के उस तरफ जैसे स्कूलों का नाम होता है, पटरी पार केवल शकुंतला का नाम हो, और उसके लिए जी जान से प्रयास किया जाता है। छुट्टियों में भी एक्स्ट्रा क्लास लगाया जाता है ताकि बच्चे के जो सबसे ज्यादा जो डर होता है, परीक्षा का डर होता है, उस डर को हम लोग दूर करते हैं। और जब डर दूर हो जाता है तो परीक्षा हॉल में टेंशन फ्री होकर बच्चे जब परीक्षा देते हैं तो पेरेंट्स भी, इससे जब रिजल्ट मिलता है तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं देख करके, और फिर एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को बताता है, दूसरा पेरेंट तीसरे पेरेंट्स को बताता है। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हॉस्टल की भी सुविधा है, यहाँ पे बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, और उसमें लगभग 450 बच्चे अभी पिछले साल पढ़ रहे थे, और हॉस्टल का भी रिजल्ट हमारे 100% आता है। शिक्षा प्रणाली को में तब्दीली जो कर दी जाती है उससे शिक्षा कितनी प्रभावित होती है? अभी हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने NEP स्टार्ट किया है इस साल से, और हम लोग पिछले साल से ही NEP को धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर दिया अपने आप अपने स्कूलों में। अब इस साल से CBSE ने कहा कि NEP के तहत पढ़ाई होगी, उसमें कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी सोच है उनकी, और उसके आधार पे हमने अपने नए नए स्किल सब्जेक्ट भी स्कूल में लगा दिए हैं, और उससे क्या हो रहा है, बच्चों को में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। जो बच्चे पास आउट है, जिन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चे जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं उसमें उनकी प्रतिभा भी है, और हमारे टीचर उनके पीछे लगातार मेहनत करते रहे हैं ये, और पेरेंट्स का भी साथ मिला, इस प्रकार से हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। थैंक यू मैम। तो हम थे अभी शकुंतला स्कूल के प्रांगण में, बच्चों ने जो उच्च अंक प्राप्त किया है, बच्चों ने भी काफी उत्सुकता से हमसे जवाब दिए हैं और अपना लक्ष्य बताया है। बताना चाहेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर रहा सफाई अभियान को लेकर शकुंतला विद्यालय लगातार उच्च शिक्षा बच्चों को देते हुए उनके लक्ष्य तक उनको पहुंचाने में काफी कारगर साबित हो रहा है। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ACN News।